हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ड्रग की जिनको प्रेगनेंसी के केस में सेफ और अनसेफ कैटेगराइज किया गया है एज पर यूएस एफडीए कैटेगरी। यहां पे सबसे पहले हमको जानना ये भी जरूरी है कि टेरेटोजेनिसिटी होता क्या है। टेरेटोजेनिसिटी एक ऐसा प्रोसेस है जहां अगर कोई ड्रग प्रेगनेंसी के केस में लिया जाए तो वो लिए गए प्रेग्नेंट वुमन के अंदर ग्रो हो रहे वुम्ब में फीटस की ग्रोथ को अल्टर कर सकता है, और कुछ केस में तो उनकी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा ही, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस में उनके लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। सो ऐसे एजेंट जो इस तरह की इफेक्ट को शो करते हैं इन्हें हम टेरेटोजन कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को टेरेटोजेनिसिटी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको उनकी कैटेगरी और उस कैटेगरी की कुछ खास बातों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे एफडीए की रेटिंग के अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी और फाइनली सबसे डेंजरस कैटेगरी एक्स। तो इन कैटेगरी का मतलब क्या है, इस कैटेगरी में कंडीशंस कौन कौन से होते हैं और उनके एक एक इंपॉर्टेंट रेस्पेक्टिव एग्जांपल कौन कौन से हैं, यहां पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कैटेगरी ए से। कैटेगरी ए को बेसिकली सेफ माना गया है। इसको अगर आप एब्रिवेटेड रूप से याद करना चाहें तो यूं याद कर सकते हैं कि दीज आर अलाउड। तो अलाउड के ए से लेकर के कैटेगरी ए को आप कोरिलेट करें तो आपको याद रखने में आसानी होगी अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है तो। और वैसे भी जहां पे मैंने एग्जाम दिए हैं उनमें से दो क्वेश्चन इस कैटेगरी से पूछे गए हैं। तो इस कैटेगरी में यानी कि ए कैटेगरी के अंदर की कौन कौन सी कंडीशंस रहती हैं, यहां पे देखिए, एडिक्वेट एंड वेल टॉलरेटेड स्टडीज हैव फेल्ड टू डेमोस्ट्रेट, इस वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, हैव फेल्ड टू डेमोस्ट्रेट अ रिस्क टू द फीटस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ रिस्क इन लेटर ट्राइमेस्टर। इसका क्या मतलब है, फिर एग्जाम्पल की ओर बात करेंगे। एक एडिक्वेट तरीके से, एक सही तरीके से जिस पे पूरा कंट्रोल हुआ हो, ऐसे कंट्रोल्ड स्टडी के ऊपर अगर स्टडी करके देखा गया तो पाया गया कि ऐसे ड्रग फेल्ड हो जाते हैं किसी भी तरह के टेरेटोजेनिक रिस्क को शो करने में। इसका उल्टा अगर पैसिव वाइज में बात किया जाए तो ऐसे ड्रग जो कि कोई भी साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, टेरेटोजेनिक इफेक्ट प्रेगनेंसी के केस में नहीं शो करते हैं, ऐसे ही ड्रग को हम ए कैटेगरी में रखते हैं। स्पेसिफिकली ये देखा गया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, साथ ही साथ ये आगे के जो ट्राइमेस्टर आते हैं उनमें भी किसी तरह का टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो नहीं करते। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीनों का एक सेट। अगर हम पूरी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है। सो 9 मंथ को 3 मंथ के सेट से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव ट्राइमेस्टर बनकर के आते हैं। अर्ली ट्राइमेस्टर में तो कोई भी रिस्क नहीं है, कुछ ड्रग आगे जाकर के रिस्क शो कर सकते हैं, बट इस कैटेगरी के ड्रग यानी कि ए कैटेगरी के ड्रग आगे आने वाले ट्राइमेस्टर में भी कोई एविडेंस शो नहीं करते रिस्क के अकॉर्डिंगली। और इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, दैट इज फोलिक एसिड। यही कारण है कि जब कभी भी आप डॉक्टर के पास विजिट करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी के केस में फोलिक एसिड की डोज अवश्य रूप से दी जाएगी, क्योंकि ये सेफ कंसीडर किया गया है। अगली कैटेगरी हम बात कर लेते हैं यूएस एफडीए की रेटिंग अकॉर्डिंगली, वो है कैटेगरी बी। इसमें क्या होता है, एनिमल रिप्रोडक्शन स्टडीज हैव फेल्ड टू डेमोस्ट्रेट अ रिस्क टू द फीटस एंड देयर आर नो एडिक्वेट एंड वेल कंट्रोल्ड स्टडीड इन प्रेग्नेंट वुमन। यहां पर अगर हम बात करें कैटेगरी बी में तो एनिमल के लिए, प्रेग्नेंट एनिमल के केस में उनके रिप्रोडक्शन साइकिल में किसी भी तरह का टेरेटोजेनिक इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसी की स्टडी को किसी भी एडिक्वेट तरीके से वेल कंट्रोल मेथड से प्रेग्नेंट वुमन में करके नहीं देखा गया है, लेकिन उसमें भी चांसेस कम है कि वो कोई मेजर टॉक्सिसिटी या कोई मेजर टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो कर सके। ऐसे ही ड्रग की कैटेगरी कहलाती है कैटेगरी बी, और इसके अंदर का जो एग्जांपल है वह है मेट्रोनिडाजोल। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कैटेगरी सी। यहां पे देखिए, एनिमल रिप्रोडक्शन स्टडीज हैव शोन एन एडवर्स इफेक्ट। यहां पे चेंज होना स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे थोड़ा फोकस करिएगा, हैव शोन यहां पे दिखाया गया है एडवर्स इफेक्ट ऑन द फीटस एंड देयर आर नो एडिक्वेट एंड वेल कंट्रोल्ड स्टडीज इन ह्यूमन। यहां पे ह्यूमन में कोई भी स्टडीज परफॉर्म नहीं की गई है, लेकिन अगर एनिमल पे परफॉर्म किया गया तो उनमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले, बट पोटेंशियल बेनिफिट में वारंट यूज ऑफ ड्रग इन प्रेग्नेंट वुमेन डिस्पाइट पोटेंशियल रिस्क। इसका मतलब यह है कि इनके यूज इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनके इंपॉर्टेंट तरीके ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ऐसे केस में अगर कंपेयर करें यूज टू केस में और नॉट टू बी यूज केस में, तो थोड़ा सा वेटेज इनका यूज टू में पहुंच जाता है। इसी केस में
इनके रिस्क को थोड़ा सा अवॉइड करके इनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कंडीशंस टू कंडीशन में। और इनके जो एग्जांपल हैं वो नॉन स्पेसिफिक एग्जांपल हैं, जो भी कैटेगरी यूएस एफडीए के द्वारा अप्रूव की जाती है उस कैटेगरी के बाहर का कोई ड्रग हो तो वहां से हम इसमें देख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कैटेगरी डी, और कैटेगरी डी कहता है देयर इज पॉजिटिव एविडेंस ऑफ ह्यूमन फेटल रिस्क बेस्ड ऑन एडवर्स रिएक्शन डाटा फ्रॉम इन्वेस्टिगेशनल और मार्केटिंग एक्सपीरियंस और स्टडीज इन ह्यूमन। यहां पे चांसेस हैं, देयर इज पॉजिटिव एविडेंस ऑफ ह्यूमन फेटल रिस्क, चांसेस तो हैं। और ये जो पूरा रिसर्च है, पूरा डाटा है, वो एडवर्स इफेक्ट का कहां से कलेक्ट किया गया है, वो या तो इन्वेस्टिगेशनल तरीके से फाइंड आउट किया गया है, या कभी भी रिसर्च करते हैं जब डाटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी डाटा कलेक्ट करते हैं, या क्लिनिकल ट्रायल का जो फेज फोर है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग क्लिनिकल ट्रायल, वहां के एक्सपीरियंस मार्केटिंग एक्सपीरियंस से डिराइव किया गया है। और ये पूरी जानकारी कलेक्ट करने के बाद, फार्मेको विजिलेंस की डाटा कलेक्ट करने के बाद, ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये ह्यूमन के फीटल के ग्रोथ के लिए सही नहीं होगा, बट पोटेंशियल बेनिफिट मे बी वारंट यूज ऑफ ड्रग इन प्रेग्नेंट वुमेन डिस्पाइट पोटेंशियल रिस्क। यानी कि अगर कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जहां पे हमको उस ड्रग को यूज करना ही होगा, क्योंकि यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है, तो थोड़े से इनके जो पोटेंशियल रिस्क है इनको हमको अवॉइड कर सकते हैं। बट एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द वाइस एंड विजडम ऑफ फिजिशियंस। ये इसके एग्जाम्पल है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट डेंजरस कैटेगरी, दैट इज कैटेगरी एक्स। इस एक्स कैटेगरी के अंदर क्या होता है, स्टडीज इन एनिमल और ह्यूमन हैव डेमोन्स्ट्रेटेड फीटल एबनॉर्मेलिटीज। देखिए यहां पे एबनॉर्मेलिटीज आनी शुरू हो रही है, एंड और, या तो और, दोनों साथ मिलाकर के, देर इज अ पॉजिटिव एविडेंस ऑफ ह्यूमन फीटल रिस्क बेस्ड ऑन रिएक्शन डाटा फ्रॉम इन्वेस्टिगेशनल और मार्केटिंग एक्सपीरियंस। फेज फोर क्लिनिकल ट्रायल में जनरली होता क्या है, जब ये ड्रग प्रिस्क्राइब करने के बाद पेशेंट तक पहुंचते हैं, और पेशेंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग ह्यूमिडिटी के हिसाब से, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग जेनेटिक सीक्वेंस के हिसाब से, या इमोशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंगली, तो यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं वेरिएशन का। अगर किसी पेशेंट में इस तरह के ड्रग को लेने के बाद कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, तो वो पेशेंट को उसको रिपोर्ट करना चाहिए, और यही रिपोर्ट आगे जाकर के फार्मेको विजिलेंस के फॉर्म में कलेक्ट होता है। इन्हीं डाटा के अकॉर्डिंगली ये आइडेंटिफाई किया गया कि ये एक पोटेंशियल रिस्क कॉज कर सकते हैं। सो इन प्रेग्नेंट वुमेन ये बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए। तो ये जो ड्रग है वो एक्स कैटेगरी के रखे गए हैं, और इसके अंदर है वाल्प्रोएट, मेथोट्रेक्सेट और कुछ हद तक और भी इंपॉर्टेंट ड्रग इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे थैलिडोमाइड एटसेट्रा। यहां पे एक पॉइंट को और अगर आप देख रहे होंगे तो वो आपके डाउट को और क्लियर कर देगा। वो लाइन ये पढ़ रहा हूं मैं यहां से, एंड द रिस्क इन्वॉल्व इन यूज ऑफ ड्रग इन प्रेग्नेंट वुमेन क्लियरली ओवरवेट पोटेंशियल बेनिफिट। यानी कि जो रिस्क है वो काफी ज्यादा हो जाता है उनके बेनिफिट के ऊपर में। या यूं कहूं कि अगर तुलना करूं मैं बेनिफिट और रिस्क का, जो ऊपर मैं आपसे बात कर रहा था ना, वो इसी बेस पे बेस्ड है कि अगर हम उसके प्रॉफिट या लॉस, थेरापोटिक एडवांटेज या थेरापोटिक डिसएडवांटेज कह लीजिए, टेरेटोजेनिक इफेक्ट कह लीजिए, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो यहां पे जो इनका अनवांटेड इफेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा उभर करके आता है इनके बेनिफिट से। दैट इज वाई दे शुड नॉट बी यूज इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ऐसे ड्रग होते हैं जो हाईली टॉक्सिक होते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल इंपॉर्टेंट बट शॉर्ट इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द कैटेगरी ऑफ ड्रग विच हैज बीन कैटेगराइज एज पर यूएस एफडीए कैटेगरी, कि कौन सा ड्रग टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करने की पोटेंसी रखता है, कौन सा सेफ है, किसको थोड़ा ध्यान में रखकर देना चाहिए और किसको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो यहां पे दो चीजें हमको क्लियरली याद रखनी होंगी जो डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने आपसे कहा था दो क्वेश्चन आए थे, वो दो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, एक ऐसा ड्रग जो बिल्कुल भी सेफ होगा कैटेगरी ए का, और एक ऐसा ड्रग जो बिल्कुल भी अनसेफ होगा, दैट इज कैटेगरी एक्स। तो बीच के जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं या इंटरमीडिएट रेटिंग है इनको आप आसानी से समझ सकते हैं, बट दो चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है, कैटेगरी ए और कैटेगरी एक्स। सो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। Thank you very much for watching and listening this video. Namaskar, and please do take care of yourself. Thank you.